इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो कार्बोक्जिलिक एसिड के बारे में, कि जब भी किसी एमिनो कार्बोक्जिलिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये CH2 NH2 C डबल बॉन्ड OH अल्फा एमिनो कार्बोक्जिलिक एसिड है, इसको आप हीट करेंगे तो क्या होगा। देखते हैं इसको हीट करने पर क्या होता है। होता क्या है कि ऐसा एक और मॉलिक्यूल्स आता है, ऐसा आया, ये तो पहले से है ही हमारे पास, और एक मॉलिक्यूल आता है और ये इस तरह से NH2। हीट करने के बाद मेनली यहाँ से वाटर रिलीज होता है, ये OH इस H के साथ, ये OH इस H के साथ रिलीज हो जाता है, और फाइनली ये जो बनता है प्रोडक्ट वो ये चीज़ बनती है, ये प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, ये वाला +2 मोल वाटर बनता है। ऐसा ही कुछ कुछ क्वेश्चन और है हम लोगों के पास, ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसको हीट करोगे तो होता क्या है कि यहाँ से NH2 और इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक H रिलीज हो जाता है यहाँ से, और बनता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। OH यहाँ पर एक है जुड़ा हुआ रहता है +NH3। यहाँ पर रिंग इसलिए बनता है क्योंकि रिंग बनने के बाद हाईली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड इसलिए बनता है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनता है क्योंकि ये प्रोडक्ट हाईली स्टेबल है। यह हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड का एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा टॉपिक।